हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी अटचटपटे बैंगन के भरते की रेसिपी। तो इस बैंगन के भरते को मैंने बनाया है बिना आग में भूने, बहुत कम समय, कम मेहनत और आसान ढंग से। फिर भी टेस्ट में ये बैंगन का भरता बना है बिल्कुल ढाबे जैसा। तो मेरी तरह इस टेस्टी बैंगन के भरते को बनाने के लिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट शुरू करते हैं बैंगन के भरते की इस आसान सी रेसिपी को बनाना। चार लोगों के लिए इस भरते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के भरते वाले बैंगन लिए हैं। वजन में ये 650 ग्राम है। तो आप यहाँ पर गोल या लंबे वाले या छोटे साइज के बैंगन भी इस भरते को बनाने के लिए ले सकते हो। तो बैंगन को वॉश करने के बाद मैं इन्हें कट कर लूंगी। तो डंठल वाला पार्ट मैंने हटा लिया है, तो मैं इस बैंगन को अब 4 पीसेस में कट कर रही हूँ। तो कट करने के बाद बैंगन को अंदर से भी चेक कर लेंगे कि बैंगन में कीड़े तो नहीं हैं, और अगर आपके बैंगन में बीज भी हैं तो भी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आसानी से आगे बीज को किस तरीके से हटाया जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरे बैंगन को भी मैं कट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 कप पानी। तो पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक, ताकि जो बैंगन है वो जल्दी कुक हो सके। तो नमक को मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए बैंगन। तो प्रेशर कुकर में इस तरीके से इन्हें रखेंगे कि छिलके वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहे। तो दोनों कटे बैंगन को मैंने यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगाकर केवल इसे 2 सीटी आने तक कुक करूंगी। तो जब तक हमारे ये बैंगन कुक होते हैं तब तक आगे यूज होने वाले कुछ इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 7-8 बारीक कटी हुई लहसुन, 1 इंच बारीक कटा अदरक, 2 बारीक कटे हुए प्याज, 3 लाल रंग के बारीक कटे देसी टमाटर, 3 बारीक कटी तीखी हरी मिर्च के अलावा हरी फ्रेश मटर ली है 1/2 कप, क्योंकि हरी मटर का सीजन है। आप चाहो तो इसके बिना भी इस भरते को बना सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रेशर कुकर का प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है। तो ढक्कन खोलकर बैंगन को चेक कर लेंगे। तो फोक से इस तरीके से प्रिक करके देखेंगे तो बैंगन यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो सारे बैंगन को मैं अब एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो बैंगन यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर बैंगन के छिलके निकालने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी आसानी से इसके छिलके निकल रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर सभी बैंगन के छिलके निकाल लूंगी। तो सभी बैंगन के छिलके मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बैंगन में बीज हैं, तो बीज वाली साइड को ऊपर रखकर आप इस तरीके से स्पून से बीज को आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे एक बैंगन में बीज नहीं थे और दूसरे में थोड़े से बीज थे, तो बीज वाले बैंगन से मैं इस तरीके से स्पून से बीज को निकाल लूंगी। तो बीज निकालने के बाद अब हमें यहाँ पर इन बैंगन को मैशर से मैश करना है। तो बहुत ही आसानी से ये यहाँ पर इस तरीके से मैश हो गया है। तो चलते हैं अपने लास्ट प्रोसेस की ओर। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून या 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। तो सरसों के ऑयल में ये भरता काफी टेस्टी बनता है, तो आप इसे सरसों के ऑयल में ही बनाएं। तो ऑयल गरम होने के बाद 1 टी स्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, साथ ही इसमें मैंने 1 पिंच हींग भी डाली है जो डाइजेशन के लिए काफी अच्छी रहती है। तो दोनों चीजें यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक। तो लहसुन का 1/2 मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली चलाते हुए 1 मिनट तक इसे कुक करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये बारीक कटी हुई प्याज। तो इन सभी चीजों को हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक कुक करना है, जब तक कि जो प्याज का कलर है वो हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। तो प्याज यहाँ पर कुक हो चुकी है, इसमें मैंने ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ये लाल रंग के देसी टमाटर। और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें।
यहाँ पर मैंने देसी टमाटर का यूज किया है जो टेस्ट में हल्के खट्टे होते हैं और उनसे इस भरते में एक हल्की सी खटास आएगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसे टमाटर नहीं है तो आप आगे अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हो। तो मसालों में मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें नॉर्मल या तीखी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, एक टी स्पून मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर, एक टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो इससे इस भरते में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। साथ ही लास्ट में इसमें डालूंगी एक टीस्पून पाव भाजी मसाला। तो अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालें, इसे डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस भरते में। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इसे कुक करूंगी। तो यहाँ पर मसालों से ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ये फ्रेश हरी मटर के दाने। अच्छे से यहाँ पर इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो मटर को हमें यहाँ पर अभी कुक करना है। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगाकर इन्हें 4 से 5 मिनट तक कुक करूंगी ताकि जो मटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल लिया है, तो मटर को चेक कर लेंगे। तो मटर क्योंकि काफी सॉफ्ट और ताजी थी तो यहाँ पर बहुत जल्दी कुक हो चुकी है। तो आप यहाँ पर मटर को हाथ से दबाकर भी चेक कर सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉइल्ड और मैश की हुई सारी बैंगन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एक बार आप इस बैंगन के भरते को जरूर बनाकर देखिए। बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी और कम मेहनत से ये बैंगन का भरता बनकर तैयार हो जाता है। तो अच्छे से यहाँ पर बैंगन को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करना है ढक्कन लगाकर, ताकि जो बैंगन है उसमें अच्छे से मसालों का फ्लेवर चला जाए। तो बैंगन को भी मैंने यहाँ पर कुक कर लिया है, तो ढक्कन खोलकर इसे चेक कर लेंगे। तो बैंगन में अच्छे से मसालों का फ्लेवर आ चुका है, बहुत अच्छे से हमारा यहाँ पर यह बैंगन का भरता बना है। लास्ट में मैं इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी, साथ ही इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो गैस का फ्लेम मैं अब यहाँ पर बंद कर लूंगी और हरे धनिए को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारा ये बैंगन का भरता दिखने में जितना यम्मी लग रहा है, यकीन मानिए खाने में ये उतना ही टेस्टी है। तो अब हमारा यहाँ पर ये बैंगन का भरता सर्व करने के लिए तैयार है। इसे मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग कढ़ाई में। तो सर्व करने के बाद हरे धनिए से मैंने यहाँ पर इसे गार्निश किया है। तो यहाँ पर तैयार है बहुत ही टेस्टी और चटपटा बैंगन का भरता। तो इस बैंगन के भरते को देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। तो इसे मैं यहाँ पर अपने लिए इस सर्विंग प्लेट में सर्व कर रही हूँ। तो आप इसे चपाती, सिंपल पराठे या राइस, अपनी मनपसंद किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। तो इसे मैंने यहाँ पर चपाती के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरीके से बैंगन के भरते की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।